hello my dear students welcome to your uh, social science class in today's class we are going to discuss about the reign of terror the rise of napoleon bonaparte and the importance of french revolution so let's start hey, students in our previous class we were discussing about reign of terror let's see what is it the period from 1793 to 1794 is known as reign of terror

सीवियर पॉलिसीज जो थी कंट्रोल करने के लिए पूरी कंट्री को अडॉप्ट की और जो उसे रिपब्लिक के अगेंस्ट एनिमी या दुश्मन लगता था चाहे वो उसकी अपनी पार्टी के मेंबर ही क्यों ना हो और वो लोग जो उसकी किसी भी पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे उन्हें अरेस्ट करके गिलोटाइन कर दिया जाता था नाउ वॉट वॉज गिलोटाइन इट वॉज़ अ डिवाइज विद कंसिस्टेड

1793 से 1794 तक रॉबेस्पियर ने एक तरह से कम्प्लीटली डिक्टेटर का रोल प्ले किया जो भी उसकी पॉलिसीज़ से एग्री नहीं करता था वो उसे जान से मरवा देता था और ये मेथड जो था क्या कहलाता था गिलोटाइन कहलाता था और फाइनली उसका रिज़ल्ट क्या निकला उसके अपने सपोर्टर्स ने उसको जुलाई 1794 में अरेस्ट करवाया कोर्ट के थ्रू और उसे खुद गिलोटाइन कर दिया गया the political instability and fall of robespierre government paved the way for rise of a military dictator and who was he in 1804 napoleon bonaparte crowned himself the emperor of france he conquered the neighboring european countries as a modernizer he introduced reforms in france which are known as napoleonic code napoleon ka किंग अपने आप को डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो नेपोलियनिक कोड के नाम से जाने जाते हैं तो वो रिफॉर्म कौन कौन से थे सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स अलोंग विद द डेसिमल सिस्टम ही वॉज सीन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल बट after a short period of time he became dictator he annexed large parts of europe and finally he defeated in battle of waterloo in 1815 and sent to saint helena prison where he died in 1821 at the end of the chapter now let's discuss the legacy of french revolution all over the world Spread of the ideas of liberty and democratic rights were the most important impact of this revolution. Even in India, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy responded to the ideas coming from revolutionary France. The other main important points are on your screen. So let's discuss all these. The first one is completely breaks fully established traditional political and social system. It means जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम चले आ रहे थे जहाँ जहाँ पर इनक्वालिटी थी उन सबको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया कॉमन पीपल फ्रॉम द लोअर एंड मिडल क्लासेस वांट टू बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इट मींस इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड जो थी वो पूरे वर्ल्ड में होने लगी कि पॉलिटिकल सिस्टम में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री चेंजेस सेट्स द स्टेज फॉर डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट एंड अदर रेवोल्यूशंस फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक माइल जो थी वो uh, प्रूव हुई या साबित हुई जिसने कि डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए एक स्टेज जो था वो सेट कर दिया था और इससे इंस्पायर हो के यूरोपियन कंट्रीज में और भी रेवोल्यूशन जो थी वो स्टार्ट होने लगी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज रशियन रेवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप ऑल द आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो रीड द चैप्टर वंस अगेन डू योर वर्क प्रोपरली स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू